खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बयाना कस्बे के पुलिस थाना पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ऑल छागा की ओर से बयाना थाना अधिकारी सहित पुलिस कर्मियों का साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया। ब्रह्म कुमारी बहन बबीता कुमारी ने बताया कि बयाना नगर पालिका क्षेत्र में मिले 100 कोरोना पॉजिटिव केसों के बाद जिस तरीके से अभी पॉजिटिव केस रिकवर हुए, जिससे बयाना को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने रेड जोन से हटाकर ऑरेंज जोन में कर दिया है। वहीं बयाना कस्बे में पुलिस जवान कोरोना योद्धा बनकर आए, जिन्होंने जनता को घरों में रोककर प्रशासन का सहयोग कर बयानों को फिर से कोरोना मुक्त कर दिया, जिससे भरतपुर जिले का बयाना कस्बा राजस्थान का नया मॉडल बनकर आया है। के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर करके आज दिन रात यहाँ योद्धा बनकर खड़े होकर जो कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में उस परमात्मा की शक्ति के पात्र हैं और उन्हीं के आदेश प्रमाण हम बहनें अपने साथी भाइयों का सम्मान करने के लिए आज यहाँ आए। जो कहा करते हैं हम सभी ये तो जानते हैं, ह्यूमन पावर, इनर पावर, हम सभी उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में इन सबसे बड़ी एक और शक्ति है जिसको विल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति कहा जाता है, और वह हम आत्माओं को परमात्मा से प्राप्त होती है। वह ईश्वरीय संदेश, वो विल पावर इन आत्माओं को मिले और इनके द्वारा संपूर्ण बयाना क्षेत्रवासियों को मिले, जिससे इस महाबीमारी भी तो होने के लिए आत्मा को वो विल पावर वाइब्रेशन के द्वारा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।